तो दोस्तों, मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अब 2 साल के बाद ये चैनल लौट आएगा। इट्स रियली अ मिरेकल। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और आज है 24th में। पिछले कुछ 10 दिनों से यूट्यूब के साथ डिस्कशन चल रहा है मेरे मेन चैनल नेगेसियन को वापस लाने के लिए, और आज सुबह ही कुछ मेल्स आए हैं जिसमें यूट्यूब ने जिन 6 स्ट्राइक्स की वजह से मेरा चैनल फाइनली टर्मिनेट हुआ था, वो 6 वीडियोस में जो स्ट्राइक्स थी वो फाइनली रिजॉल्व हो गई हैं। मतलब फाइनली यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मतलब मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मेरी सारी वीडियोस मैंने हॉस्टल में बैठ बैठ के कम 400, 500, 600 वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, वो जहाँ मैंने अपना सारा यूथ लगाया, जहाँ मैंने अपना सारा टाइम लगाया, वो सब वीडियोस अब मुझे वापस मिल चुकी हैं। उनमें से काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट हैं क्योंकि वो कॉपीराइट सेक्शन में पड़ सकता है इस वजह से, लेकिन स्टिल ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिस जगह पर मैंने इतना ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किया, एटलीस्ट मेरे पास वो सारा डेटा मौजूद है। तो सबसे पहले तो यार, आप सभी लोगों को थैंक्स, क्योंकि पिछले 2 साल में ऐसा नहीं था कि मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था। अगर आप लोग मेरे इस मेन चैनल पे मुझे देख रहे हैं एंड आपको लगता है कि मैं 2 साल से पूरा गायब था, ऐसा नहीं था। मेरा एक बैकअप चैनल भी था मेन चैनल के अलावा, जिसका नाम था मास्टर निगर्स, और पिछले 2 साल से मैं वहाँ पर वीडियोज़ बना रहा था। लेकिन मुझे लगा कि अब मेरा जो ये चैनल है तो चला गया हमेशा के लिए, और आप लोग मुझे कैसे पहचानोगे? अगर कोई मुझे ढूंढ रहा होगा कि मेरा चैनल कहाँ गया, तो कैसे पहचानेगा? तो मैंने अपने उस मास्टर निगस चैनल का नाम भी नेगेसियन रख दिया ताकि इजी हो जाए आप लोगों को मुझे आइडेंटिफाई करना। और 2 साल से मैं वहीं पे वीडियोस बना रहा था। पिछले 2 साल में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। कार्टून नेटवर्क को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, जो ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी में आने लगा, फिर ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी आई, तो मैं अच्छे से एक्टिव था पिछले दो सालों से उस बैकअप चैनल पर। लेकिन इस चैनल के वापस आने का कोई चांस नहीं था। मतलब मैं जब भी ट्राई करता था कि YouTube को मैं भेजूं कि यार मेरा जो चैनल टर्मिनेट हुआ है, मेरी जो वीडियोस हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव है नेचर में, कॉपीराइट कंटेंट नहीं है, वो फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स थी, लेकिन मुझे हमेशा एक ऑटोमेटिक मेल आता था कि वी कांट हेल्प यू, वी कांट प्रोसीड, हम कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। तो आखिरी में आके मैंने भी बस उम्मीद छोड़ दी कि ठीक है, मतलब अब नहीं आएगा, अब मुझे बस इसी बैकअप चैनल पर आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन फिर अभी जब मैं सुजुमे मूवी के लिए मुंबई गया और वहाँ पर मेरी बात हुई फरहान से और बाकी लोगों से भी, क्रॉनिकल्स, विक्सर, ये सब लोग वहाँ पे थे, तो हमारा डिस्कशन हुआ और एक मुझे आइडिया मिला कि अभी भी विद लीगल प्रोसेसेस चांसेस हैं कि हम उस चैनल को वापस ला सकते हैं। क्योंकि जो मुझे स्ट्राइक्स आई थी एक साथ, 51 स्ट्राइक्स जो आई थी, वो कोई मैनुअल स्ट्राइक्स नहीं थी, वो एक ऑटोमेटेड स्ट्राइक्स थी जो कि लगातार एक साथ आई थी और वो सब की सब फॉल्स थी। उन 51 स्ट्राइक्स में से मैंने जब काउंटर डाला सभी के लिए, तो 45 स्ट्राइक्स इजिली रिजॉल्व हो गई। 45 रिजॉल्व हो गई क्योंकि यूट्यूब ने उनको फॉरवर्ड किया एंड उसमें हम जीत गए। लेकिन जो 6 स्ट्राइक्स जो बच गई थी लास्ट वाली, उनको यूट्यूब ने फॉरवर्ड ही नहीं किया। उन्होंने सीधा बोल दिया, नहीं, दिस इज कॉपीराइट मैटर, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, आपका जो काउंटर है वो फॉरवर्ड ही नहीं होगा। मतलब ये ऐसा हुआ कि मेरे पे एक ब्लेम लगा और मुझे उसके खिलाफ बोलने के लिए, अपनी गवाही में बोलने का मौका ही ना दिया गया हो। तो मैंने भी बस उम्मीद छोड़ दिया था। मुझे लगा नहीं था कि अब आएगा चैनल, क्या होगा पता नहीं। बट अभी जब मेरी विक्सर से बात हुई तो हमें पता चला, डॉक्टर कॉपीराइट करके एक टीम है जिसमें विक्सर और क्रॉनिकल्स भी दोनों उन्हीं टीम के मेंबर्स हैं, और उन्होंने मुझे कुछ लीगल एडवाइजेस दिया कि लाइक अगर हम काउंटर मौका ही नहीं मिला है, देन इट्स माई राइट, अगर मुझे स्ट्राइक्स मिल रही हैं वो भी फॉल्स वाली और मैं काउंटर भी ना कर पाऊँ तो ये गलत है। तो फिर हमने कुछ लीगल एडवाइसेस लिया, हमने कुछ लीगल मेथड्स को यूज़ किया और इन लोगों ने मुझे हेल्प किया। मैंने काउंटर बनाया बहुत बड़ा अच्छे से, जिसमें हमने अच्छे से लिखा कि क्या क्या हमारे कॉपीराइट एक्ट्स हैं, क्या क्या राइट्स हैं, और उन राइट्स के तहत मेरे पास हक है कि मैं अपना काउंटर भेज सकूं उन 6 वीडियोस के लिए। और ये सब प्रोसेसेस में लग गया 1-2 महीना, और जस्ट लास्ट मंथ वो हमने जो काउंटर बनाया था वो हमने डाला यूट्यूब को, एंड लकीली यूट्यूब ने हमें रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, वी आर फॉरवर्डिंग योर काउंटर्स जो कि 2 साल पहले स्टक हो गए थे। और जैसे ही ये हुआ, मुझे मतलब मैं फिर भी नहीं मान रहा था, मैं फिर भी यकीन नहीं कर रहा था कि कुछ होगा। मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ पंगा पड़ेगा, लेकिन विक्सर और क्रॉनिकल्स ये लोग तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि काउंटर अगर एक बार फॉरवर्ड हो जाए, दैट मीन्स 99% चांस है कि हमारी जीत होगी, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा ड्रैगन बॉल का एपिसोड डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, मैं स्पॉयलर्स डिस्कस करता हूँ, मैं थ्योरीज बनाता आ रहा हूँ पिछले इतने सालों से,
और वो वीडियोज़ जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव है नेचर पे। मैं उनमें खुद की एडिटिंग करता हूँ, मैं अपनी ऑडियो वहाँ पे डालता हूँ, मैं इतनी सारी वीडियोज़ डब करता हूँ। मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर के 16-17 एपिसोड्स डब किए हैं, वहाँ पर मैं अपना खुद का कंटेंट बना रहा हूँ। तो काउंटर फॉरवर्ड हुआ और आज हो गए हैं टोटल 14 डेज, क्योंकि दो सैटरडे संडे हटा दो तो आफ्टर 10 डेज का मौका मिलता है। एंड आज मुझे मेल्स आ चुके हैं जिसमें मेरी 6 वीडियोज़ से स्ट्राइक्स हट गई है 2 साल के बाद। मतलब सीरियसली यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे अंदर से ना एक मोटिवेशन चली गई थी और भी वीडियोस बनाने की, लेकिन अब ये सारी वीडियोस जब मैं देख रहा हूँ, मैं खुद की वीडियोस जब देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि क्या था मैं। मतलब क्या मैं पूरा पागलों की तरह ड्रैगन बॉल और एनिमे में घुस जाना और बिल्कुल कहानियाँ। मैंने अपनी वीडियोज़ देखी अभी 1-2 जिसमें मैं बता रहा हूँ कि हाउ ओल्ड काय, वो जो सुप्रीम काय है ना बड़े वाले, उनका नाम भी अब मैं भूल गया हूँ क्या बोलते हैं, ओल्ड काय ही बोलते हैं उनको, हाउ ओल्ड काय मेड गोकू इमॉर्टल। क्योंकि जब उन्होंने अपनी लाइफ गोकू को दी तो उन्होंने अपनी इमॉर्टल लाइफ गोकू को दे दी, तो गोकू अब इमॉर्टल है। और क्या क्या थ्योरीज बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेमन रैम के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ। फिर मैं ये बता रहा हूँ कि माजिन बू जो था वो सो गया था ना टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले, वो क्यों सोया था, वो इसलिए सोया था कि कहीं ना कहीं जो मोरो जेल में बंद था उस पे जो सील लगी हुई थी मैजिक की वो वीक हो रही थी, तो उसकी वजह से माजिन बू के अंदर जो वो ग्रैंड सुप्रीम का थे वो एक्टिव हो गए और मेन माजिन बू सो गया। मतलब कहाँ कहाँ से थ्योरियाँ बनाए जा रहा हूँ मैं अपनी सारी वीडियोज़ में। मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो मैं बनाऊँ जिसमें मैं प्ले करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा हम लोगों की पुरानी वीडियोस। तो दोस्तों 15 जुलाई 2021 को मुझे 1 साथ स्ट्राइक्स आई थी, टोटल 51 स्ट्राइक्स, और आज है 24th में, लगभग 2 साल हो गए हैं चैनल को गए हुए और आज सारा चैनल लौट आया है। अब एक और ख़ास बात बताऊं, जब ये चैनल जा चुका था और मैं अपने बैकअप चैनल पे काम कर रहा था मास्टर नेगस वाला, जिसका अब नाम फिर से नेगस सयन रखा मैंने, लेकिन आप अभी अगर आप देखोगे ना उस चैनल को जाके तो वापस से मैंने उसका नाम मास्टर नेगस रख दिया, क्योंकि फिर 2 चैनल सेम नाम के सही नहीं लगेंगे। तो पिछले साल मास्टर नेगस जो चैनल था जिसका नाम नेगस सयन हो गया था, उस पर हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए एंड मुझे सिल्वर प्ले बटन भेजा गया। एंड आई डोंट नो हाउ, लेकिन वो जो डेट थी वो भी 24th में थी। जस्ट पिछले साल 24th मई को मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला नेगस सयन के नाम से, और अभी जस्ट 1 साल बाद मेरा एक्चुअल नेगस सयन चैनल वापस आ चुका है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ड्रैगन बॉल से किसी ने विश किया होगा, और 1 साल का टाइम होता है ना ड्रैगन बॉल्स को दोबारा यूज़ करने के लिए, तो 1 साल के बाद फिर से ड्रैगन बॉल का यूज़ हुआ है और चैनल भी वापस आ चुका है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसने वो विश की है, बट जिसने भी की है थैंक्स अ लॉट। तो अब चैनल वापस आ चुका है, लेकिन बहुत सारे काम अभी भी बाकी हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही मेरा चैनल आया 2 चैनल हो गए नेगस सयन के नाम से। अब मुझे पहला वाला जो चैनल है, जो बैकअप चैनल है, उसका नाम वापस से मास्टर नेगस करना पड़ा। और अगर आप अभी देखोगे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है जिसको नहीं पता होगा, बट अगर आप लोग मेरे साथ एक्टिव हो तो आपको पता होगा। तो मास्टर नेगस चैनल अब अलग है, मैंने उसका DP चेंज कर दिया है, मास्टर नेगस चैनल अलग है और ये मेन चैनल नेगस सयन वापस आ चुका है। अब जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं वो बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर अब आप अभी भी अगर नेगस सयन सर्च करोगे तो मास्टर नेगस वाला ही शो होगा, क्योंकि YouTube के डेटा में जो डेटा स्ट्रीम्स हैं वहाँ पे क्या है कि जो मास्टर नेगस वाला है वही नेगस सयन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और ये चैनल तो अभी 2 साल बाद आया, इसमें तो कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई है। तो यहाँ पे मुझे जो मेहनत करनी है वो ये है कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँ, मुझे लगातार वीडियोस बनानी होंगी और मेरे अंदर चुल मच रही है, मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे को वीडियोस बनानी है। क्योंकि अभी जब मैंने ये सारी वीडियोस देखी अपनी, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मन कर रहा है वीडियोस बनाने का। तो पहला काम तो मुझे ये करना है कि मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी है। दूसरा काम आप लोगों को ये करना है कि आपको वीडियोस देखनी होंगी, आपको सब्सक्राइब करना होगा, और अगर हो सके दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो सके तो एक बार मेरे चैनल को गो थ्रू होके जाइए और उसकी कोई भी वीडियोस, रैंडम वीडियोस प्ले कीजिए, उसको ज़्यादा देर तक देखिए। कोई भी वीडियो अगर आपको लगता हो कि आपने कभी देखी है, आपको कभी अच्छी लगी हो, टॉपिक्स के नाम पढ़िए, आपको भी थोड़ा एक रिफ्रेश होगा, लाइक कहाँ से ड्रैगन बॉल स्टोरी कैसे कैसे शुरू हुई, कैसे कैसे हम आगे पहुँच गए हैं। मांगा वीडियोस जो थी वो तो मैंने हटा दी हैं, क्योंकि जिन जिन वीडियोस में कॉपीराइट का इशू हो सकता है, जिस में मुझे हल्का सा भी शक है कि कॉपीराइट का पंगा पड़ सकता है, मैंने वो सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी है। लेकिन अभी भी 100+ वीडियोस चैनल पर हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं, एंड आई एम श्योर अगर आप कोई भी रैंडम वीडियो पकड़ेंगे आपको मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने वही वीडियोस रखी हैं जो एक्चुअल में अच्छी हों और जिनको देखने में मज़ा आए, जो लंबे हों, जिसमें क्वालिटी वीडियो कुछ एक कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो, कुछ एक नया, एक बिल्कुल सेम चीज़ ना हो, कुछ नई चीज़ें बात की गई हो जिसमें। तो आप जाके वीडियोस देखिए, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं। और तीसरा मेन काम अब ये है कि
मास्टर नेगस का क्या होगा? देखो मास्टर नेगस का कुछ नहीं होगा, वो जिस काम के लिए बना था वो उसी में रहेगा, लेकिन मैं ये काफ़ी वक्त से सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को बस ड्रैगन बॉल तक सीमित ना रखूँ, जो मैं बात करता हूँ मैं सिर्फ ड्रैगन बॉल तक अपने आप को ना रखूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं और भी बहुत सारे एनिमे के बारे में डिस्कस करूँ। मेरा फेवरेट एनिमे वन पीस है, फेरी टेल है, अटैक ऑन टाइटन है, ब्लीच है, नरूटो है, और मैं और भी बहुत सारे एनिमे देखता हूँ। मतलब आप लोगों को पता भी नहीं होगा लेकिन मैं ओवर 100-200 एनिमे देख चुका हूँ, मैंने बहुत सारे एनिमे देखे हैं। लेकिन मैं जब भी YouTube में बात करता हूँ मैं सिर्फ ड्रैगन बॉल के बारे में बात करता हूँ, और इसके पीछे भी YouTube का एल्गोरिदम है। मैं अचानक से आके अब ड्रैगन बॉल वाले चैनल पे अचानक से आके मैं और एनिमे के बारे में बात करूंगा तो YouTube मेरी रैंकिंग्स और मेरी रीच पे इफेक्ट करेगा। तो अब मेरा डिसीजन ये है कि मैं एक चैनल को नेगस सैयन रखूंगा, सैयन इज़ रिलेटेड टू ड्रैगन बॉल, वहाँ पर मैं ड्रैगन बॉल रिलेटेड वीडियोज़ और कुछ ना कुछ धीरे धीरे उसको अपने वे में चेंज करूंगा। लेकिन मास्टर नेगस चैनल को मैं सोच रहा हूँ एक कम्प्लीटली ऑल एनिमे बेस्ड चैनल बना दूँ। आप लोग बताइए आप मुझे क्या एडवाइस दोगे, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो पिछले 6-7 साल से, ये दोनों ही चैनल्स जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और अगर मैं अब किसी और एनिमे के बारे में वीडियो बनाता हूँ तो वट विल यू रिकमेंड टू मी कि मुझे कौन से एनिमे को पहले कवर करना चाहिए? विल इट बी वन पीस, नरूटो, और आपका कोई भी फेवरेट एनिमे मुझे बताइए। तो ये 2-3 काम है जो हमें करने पड़ेंगे साथ में, बट सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि यार आप लोग जाओ एक बार मेरा पूरा चैनल देखो, अच्छे से देखो, जो भी आपको अच्छी वीडियो लगती है उसको जाके लाइक करो, उसको शेयर करो, क्योंकि YouTube को पता चलेगा कि हाँ ये चैनल मौजूद भी है। तो अब तो मैं सारी वीडियोस देखने वाला हूँ एक एक करके, आप लोग भी जाके देखना और सपोर्ट करना यार, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। एंड विक्सर यार थैंक्स अ लॉट, क्रॉनिकल्स थैंक्स अ लॉट, डॉक्टर कॉपीराइट टीम सभी को बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने मेरे लिए लीगल काउंटर्स बनाए। भाई वो इतना बड़ा काउंटर था, उसमें इतने सारे एक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया था कि लाइक एक राइट है एज अ क्रिएटर, ये मेरा राइट है कि मेरा काउंटर भेजा जाए आगे, एंड YouTube ने उसको रिस्पॉन्ड किया। एंड YouTube में भी जो लोग हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे पिछले 10 दिनों से, उनको भी सीरियसली थैंक्स अ लॉट। तो बताओ यार, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कमेंट्स में बताओ आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। मेरा एक और वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, मुलाकात होगी आप सभी से उस वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।